मंत्री का प्रोग्राम को ऑफिसर करना चाहिए, ऑफिसर आइडिया करना चाहिए, ऑफिसर व्यवस्था में भिड़ना चाहिए। ऑफिसर का प्रोग्राम में मंत्री व्यवस्था के लिए भिड़े हैं, कितना लज्जाजनक बात है। क्या आप जानते हैं कौन वो शख्स है जो पिछले दिनों नुआपाड़ा जिले के जमीन पर हेलीकॉप्टर से दल बल के साथ पहुंचते ही जिला कलेक्टर के साथ साथ पूरी सरकारी महकमा हरकत में आ गई, और वो जनाब सवेरे आए हेलीकॉप्टर से और शाम को चार्टर प्लेन से भुवनेश्वर वापस चले गए। बताया जाता है कि इसमें लाखों रुपये का खर्चा हो गया। हर जगह इस शख्स की बाजे गाजे के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं स्वागत के लिए उमड़ पड़ी और इस शख्स के साथ हाथ मिलाने के लिए आतुर हो रही थी, हाथ मिला भी रही थी, फोटो एवं सेल्फी लेने के होड़ में शामिल हो गई। इस शख्स के साथ साथ नुआपाड़ा जिले के पद में बैठे राजनेता का बिल्कुल दर्शन नहीं हुआ। नमस्कार, मैं सुरेश आचार्य, आप देखना शुरू कर चुके केतरी टीवी। वो शख्स कौन है इसके बारे में आपको बताऊंगा। वादा करें कि इस वीडियो को आप सभी दर्शक अंत तक देखेंगे, इस शख्स के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी, वरना आप तो जानते ही हैं कि आधा ज्ञान का परिणाम कितना घातक होता है। ये शख्स ना तो कोई नेता है, कोई फिल्मकार है, ना खिलाड़ी है, ना कोई मंत्री है, ना समाज सेवक है, कुल मिलाकर एक लाइन में बोला जाए तो ये शख्स सेलिब्रिटी भी नहीं है। आपकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई होगी कि जल्दी बताना भाई, बात को गोल मटोल क्यों कर रहे हो, बात को क्यों घुमा रहे हो, तो देर किस बात की। आइए इस शख्स के बारे में जानकारी और नुआपाड़ा जिले में उनके दौरा को लेकर जो चर्चा है उसको हम करते हैं, हम आपके सामने रखते हैं। आप लोग न्यूज़पेपर और टीवी के माध्यम से एक दो मिनट के समाचार तो ज़रूर देखे होंगे। हम आपको वो दिखाएंगे जो आप इन समाचार पत्रों में ना पढ़े हैं ना टीवी में आपने देखा है। सस्पेंस खोलते हैं। इन शख्स का नाम है कार्तिकेन बी पांडियन। ये अभी उड़ीसा राज्य सरकार के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक के व्यक्तिगत सचिव तथा साथ ही साथ 5T का 5T सचिव का पद संभाल रहे हैं। 5T क्या है इसके बारे में आपको जिज्ञासा जरूर बढ़ रही होगी, लेकिन हम आपको वादा करते हैं आप अगर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि 5T क्या है, उसके बारे में डिटेल जानकारी आपको चाहिए, तो हम अगले एपिसोड में हम आपको 5T के बारे में जरूर हम आपको बताएंगे। इस महीने की 21 तारीख को श्री पांड्यन नुआपाड़ा जिले के एक दिवसीय दौरे पर आए हुए थे। उनके टूर प्रोग्राम जो मीडिया बंधु को दिया गया था उसका अनुसार उनका दौरा तूफानी था। दौरे का मकसद राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकासमूलक कामों की समीक्षा करना था, मगर हर प्रोजेक्ट की समीक्षा का समय ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट के अंदर सीमित रखा गया था। जिस तेजी से 5T सचिव अपने काफिले के साथ समीक्षा दौरा कर रहे थे, ऐसा लगता था कि यह दौरा समीक्षा का था, मगर किस बात की समीक्षा ये समझ में नहीं आई। तो कुछ बुद्धिजीवी और विपक्षी दलों ने ये कहा है कि आप नहीं समझते, ये अंदर की बात है। भारत एक बृहद गणतांत्रिक राष्ट्र है, उस राष्ट्र का हम अंग है, और गणतांत्रिक पद्धति का पूरा जलांजलि दे दिए, गणतांत्रिक मूल्यबोध को नकार दिए, और एक ऑफिसर का चमचागिरी कर रहे हैं ये लोग। ये ऑफिसर है ब्रिटिश जमाने में, जैसे ब्रिटिश हाई कमिश्नर आता था उस टाइप का ब्रिटिश हाई कमिश्नर टाइप का, हेलीकॉप्टर में आ रहा है, प्लेन में जा रहा है और तदारक कर रहा है, और मुख्यमंत्री को केवल ये क्या बोलते हैं ब्लैकमेल कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को मूर्ति टाइप का बैठा दिया है ये पन्नियन, और अपन आपके हिसाब से पार्टी का संगठन को और प्रशासन को दोनों को चला रहा है, और हमारे नेता लोग चुप हैं, नेता लोग तलवा चाट रहे हैं। ये बड़ा विडंबना के बात है, भाग्य की विडंबना है। गणतांत्रिक पद्धति में, गणतांत्रिक राष्ट्र में एक ऑफिसर राज दिखा रहा है, ये हमको बहुत पीड़ा दे रहा है, छाती में यंत्रणा दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 5T सचिव श्री कार्तिकेन पांड्यन अपने इस तूफानी दौरे में कार के साथ साथ हेलीकॉप्टर के भी उपयोग किए। इस दौरान वे 2 लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट, 1 रूपांतरित हाई स्कूल, 2 हॉस्पिटल, 3 मंदिर एवं संभाव्य प्रोजेक्ट स्थल, 1 निर्माणाधीन बस अड्डा, मिशन शक्ति के सदस्यों के साथ आम सभा किए। नेशनल कॉलेज में होने वाले साधारण अभियोग सुनवाई, जिसका आप गृहांश कहते हैं, उस कार्यक्रम को अनान फनान समाप्त कर चार्टर्ड प्लेन से पांडियन साहब भुवनेश्वर रवाना हो गए। उनका पूरा दौरा ऐसा संकेत मिल रहा था कि सचिव पांडियन बहुत जल्दीबाजी में थे। उनके इस दौरे में 3 खास चीज़ें जो दिखा,
वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक महिलाओं का हुजूम उनके तरफ विशेष रूप से उनके प्रति आकर्षित हो रही थी, उनके साथ फोटो सेशन कर रही थी, तत्पर बहुत दिख रही थी, वो बड़ा देखने को बनता था। दूसरी बात, जहाँ पांड्यन जी जहाँ जहाँ पहुँचे, लोगों ने उनके हाथ में दरख्वास्त पकड़ा रहे थे, नहीं एप्लीकेशन, कोई मांग रख रहे थे लिखित रूप से। तीसरा, प्राय हर जगह सभाओं में राज्य सरकार के द्वारा मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं को सूद रहित 5 लाख का लोन एवं बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना स्मार्ट कार्ड के बारे में समझा रहे थे, जो कि मुझे पता है कि यहाँ के नेता लोग हर गांव में हर गली में जब भी कोई कार्यक्रम होता है वो ये दोनों स्कीम के बारे में लोगों को समझाते हैं। इसमें नया क्या था? 5 लाख प्रजा दौ आपर जब बैंक सहयोग करू ना मु जिलापाल अनुरोध करी प्रत्येक पंचायत रे लोन मेला करे मिशन शक्ति पे लोन मेला करे प्रत्येक पंचायत रे बैंक वाला डाकिबे लोन मेला करे अपन जो भी लोन दरकार पड़ो से सहयोग करे विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना कार्ड रे केते टंका मां मानक पे केते टंका माननीय मुख्यमंत्री दौन केते इतना दुई हाथ ये करे ना 10 लाख 10 लाख माननीय मुख्यमंत्री पांड्यन जी की इस तूफानी दौरे से कुछ बुनियादी बातें सामने आ रही है। पहला सवाल यह है कि करीब 3 से 5 किलो वजन के एप्लीकेशन जो है दरख्वास्त जो कहते हैं पांड्यन जी के हाथ में पकड़ाए गए, उसे अपने साथ लेकर गए या जिला कलेक्टर को पकड़ा के चले गए? लोगों का मांग पूरा होगा या नहीं होगा ये तो समय ही बताएगा। तीसरी बात, हर सभा स्थल में मंच बना हुआ था मगर उन कार्यक्रम का आयोजक कौन था ये समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वहां पर बैनर ही नहीं लगा हुआ था। सैकड़ों की संख्या महिला सभा के स्थल पर जो लाई गई थी या आई थी उन्हें क्या पता था कि वो क्यों लाई गई थी? तीसरा और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि सरकारी स्कूल एवं कॉलेज की गर्मी छुट्टी 1 महीना पहले हो जाने के बावजूद हाई स्कूल एवं कॉलेज के बच्चों को शिक्षण संस्थाओं में यूनिफॉर्म में आने का फरमान कौन जारी किया? 5T सचिव के इस नुआपाड़ा समीक्षा दौरे में कालाहांडी के सांसद हमारे नुआपाड़ा जिले से जो मंत्री हैं श्री राजेंद्र कुमार धोलकिया, विधायक खरियार, जिला परिषद के प्रतिनिधि, इन लोगों को शामिल क्यों नहीं किया गया या उनको बुलाया गया था या वो आए नहीं या बिल्कुल उनको नकार दिया गया। नुआपाड़ा जिले में राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास कामों की समीक्षा करने के लिए उड़ीसा राज्य के चीफ सेक्रेटरी से लेकर विभागीय सचिव तक अनेक बार जिला का दौरा करते रहे लेकिन 5T सचिव श्री पांड्यन द्वारा इस समीक्षा बिल्कुल वाकई निराला था, ढंग भी बहुत निराला था और जिस तरह से सरकारी महकमा सतर्क और तत्पर दिखी उतना तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी के समय में भी नहीं देखने को मिला। बीके पांड्यन IAS सेक्रेटरी 5T गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, ये विजिट को मैं संपूर्ण विरोध करता हूँ क्योंकि ये विजिट हालांकि प्रशासनिक है परंतु इसके पीछे BJD के लिए वोट खरीदने के लिए आए हैं। इनके पीछे ये मंशा है आगामी दिसंबर में वेल एडवांस ये BJD सरकार चुनाव करना चाहती है। एक राजनीति रणनीति के तहत ये पांड्यन ने जो उड़ीसा का राजनीति व्यवस्था ने अपने आप को चाणक्य बना रखा है, जो गैर संबंधनिक काम करते हुए सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उसको सुपरसीड कर लिया। ऑफिशियली या संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार चीफ सेक्रेटरी होते हैं सर्वे सर्वा, परंतु अपने आप को एक राजनीति व्यक्ति के तरफ और मुख्यमंत्री जो कि अपने आप में डिसीजन मेकिंग में कमजोर हैं इसके चलते वो सारे पावर को अपने केंद्रित करके वोट बटोरने के लिए एक साजिश है। अब आपको हम एक जरूरी बात बताते हैं, यानी कि दो महीने के पहले यानी कि पिछले मार्च 5 को उड़ीसा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी नुआपाड़ा जिला का दौरा किए, बिजु एक्सप्रेस वे का लोकार्पण किया, पूर्ण हो चुके प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किए उन्होंने भी लोकार्पण किया और प्राय 500 करोड़ से ज़्यादा के नए प्रोजेक्ट का शिलान्यास किए। तो मुख्यमंत्री के व्यक्तिगत सचिव एवं 5T सचिव से पांड्यन के तूफानी दौरे का मकसद क्या है ये स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रहा है। आपको अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ये जो काम पांड्यन साहब करके गए हड़बड़ी में ये काम तो हमारे जिला के लोकप्रिय विधायक
एवं मजेदार बातें योजना अभिसरण मंत्री से राजेंद्र धुनकिया हमारे नुआपाड़ा जिले से ही हैं। क्या उनमें इतनी समक्षता नहीं है, उनके उनके अंदर इतने क्या काबिलियत नहीं है कि वो इन छोटे मोटे कामों का समीक्षा करके और कलेक्टर जो है नुआपाड़ा के उनके साथ मिलकर एक समीक्षा बेहतर ढंग से कर सकते थे और उसको रिपोर्ट राज्य सरकार के जो विभाग है उनको भेज सकते थे। ऐसा क्यों नहीं किया गया? आप जो लोग अंत तक इस एपिसोड को देख रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ केती टीवी की तरफ से। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में अपना विचार रखें कि क्या लोकतंत्र के सरकार में चुने हुए प्रतिनिधि के ऊपर अफसरशाही हावी होता दिख रहा है आपके राज्य में। नमस्कार, जय हिंद, आपका कमेंट का इंतजार रहेगा।